प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति किया आगाह, 3 चरण अपनाने की अपील। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उम्मीद, साइबर ठगी के विरुद्ध जागरूक होंगे लोग। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में करोड़ों के निर्माण कार्यों की दी सौगात। और प्रधानमंत्री मोदी 29 अक्टूबर को रायपुर के केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला का वर्चुअल माध्यम से रखेंगे उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मानसी साहू। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार इस वर्ष 2 विभूतियों बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रसारण मन की बात में देशवासियों से इन दोनों विभूतियों के विचार और कार्यों को सोशल मीडिया पर सामने लाने की अपील की है। एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की देश इस साल 150वीं जन्म जयंती मनाएगा। इस साल 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष की शुरुआत होगी। सरकार ने 2 साल तक सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष मनाने की घोषणा की है। वहीं इसके एक पखवाड़े के बाद 15 नवंबर से बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष मनाया जाएगा। झारखंड के उलिहातू में जन्मे जनजाति के नायक बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका था। वहीं स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के तौर पर 600 देसी रियासतों का भारत में विलय कराया था। इनके योगदान को देखते हुए दोनों महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती वर्ष को मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए दोनों महापुरुषों की जन्म जयंती के अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने आम जनता से सरदार पटेल के विचार और कार्य के साथ साथ बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लोह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा150 के साथ दुनिया के सामने लाए। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती वर्ष से देश की जनता और नई पीढ़ी को दोनों महापुरुषों के बारे में एक बार फिर से काफी कुछ जानने और सीखने का मौका मिला था। इसी तरह बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष से इन दोनों विभूतियों के बारे में जानने का और मौका मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि इस साल सरदार पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर को दीपावली होने के कारण 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से इस दौड़ में हिस्सा लेकर एकता के मंत्र के साथ फिटनेस का मंत्र फैलाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नियमित प्रसारण मन की बात में छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के लोक कलाकार पुटलू राम माथला का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने आदिवासी लोक कला संरक्षण के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान में उनके योगदान से देशवासियों को रूबरू कराया। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के पुटलू राम माथला जी अबूझमाड़िया जनजाति की लोक कला को संरक्षित करने में जुटे हुए हैं। पिछले 4 दशकों से वे अपने इस मिशन में लगे हुए हैं। उनकी ये कला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे अभियान से लोगों को जोड़ने में भी बहुत कारगर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में 100 बिस्तर वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान CRIVN की आधारशिला 29 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से रखेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज एक पत्रवार्ता में बताया कि 90 करोड़ की लागत वाला यह छत्तीसगढ़ का अपनी तरह का पहला अस्पताल होगा। प्रदेश के प्रति विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति काफ़ी गंभीर हैं। अभी तक हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा की बात सुनते थे कि मिट्टी के लेप से इलाज होता है, फिजियोथेरेपी से इलाज होता है, मालिश से इलाज होता है और कई ऐसे विधाओं जैसे योग से बीमारी ठीक होती हैं। अभी लोग हरिद्वार जाते हैं योग करके, वहाँ बीमारी ठीक होता है। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए साउथ में लोग जाते हैं, नेचर कैंप में जाते हैं। तो वैसा ही सुविधा 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर माननीय प्रधानमंत्री जी 29 अक्टूबर को ये शुरुआत करने जा रहे हैं। मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि 24 माह में तैयार होने वाले इस केंद्र में मोटापा, प्री डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, गठिया, दर्द व बुजुर्गों की देखभाल व उपचार की सुविधाएं दी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी विधानसभा दौरे के दौरान करोड़ों रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कारीडोंगरी में कौशल विकास पखवाड़ा एवं जन समस्या निवारण शिविर सहित मनियारी नदी पर पुल निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम में भागीदारी दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि प्रदेश में विष्णुदेव सरकार के कार्यकाल में चहुमुखी विकास हो रहा है। इस पुल के निर्मित हो जाने से आसपास के 15 गांव के 15,000 से अधिक लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। वर्षों से ये बहुप्रतीक्षित मांग थी जो अब विष्णुदेव साय जी के सरकार में पूरी हो रही है। आज कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन हुआ है। अलग अलग प्रकार के स्टॉल यहां पर लगे हैं जिसमें आयुष्मान भारत का कार्ड बन रहा है, श्रम कार्ड बन रहा है, विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रमाण पत्र और किट भी वितरण किया गया है। जनपद सदस्य अनीता कोमल साहू ने विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है। बहुत बरसात के दिन में बहुत समस्या जात रही थी, बहुत आदमी मतलब यहाँ तक कि खाट मले के जाए पड़ते थे बरसात के दिन में मरीज को। वो सुविधा आज मिली से मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री को बहुत बहुत खूब मुख्यमंत्री बहुत बहुत बधाई। इतना बड़े सौगात हमारे मांगना पूरा करने से। कार्यक्रम के बीच विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के सम्मेलन के तहत उप मुख्यमंत्री ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस बीच बैगा आदिवासी महिलाओं ने करमा नृत्य की प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि बलरामपुर में पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत हुई है। आज रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि युवक की मौत के बाद अब पुलिस बाथरूम में फांसी लगाने की बात कह रही है जो कि सरासर झूठ है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन छेड़ने की बात भी कही। बलरामपुर की जो घटना है, गुरुचरण मंडल की मौत का मामला पूरी तरह से हत्या है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने उनको पूछताछ के बहाने 4 दिन थाने में रखे और उसे पीट पीट कर मार डाला है। SP के मौजूदगी में, SDOP के मौजूदगी में थानेदार स्वयं उपस्थित रहे और इसके लिए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है, क्योंकि उनके पिता को भी इतनी बुरी तरह से मारा है, वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। आखिर थाने में कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है? कहाँ से टावेल आएगा? क्या बाथरूम में पंखा है? उसको पंचनामा क्यों नहीं कराए? उनके पिता वहीं मौजूद थे। आखिर किस चीज को छुपाना चाह रहे थे? श्री बैज ने बताया कि 27 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों में पुतला दहन, 28 अक्टूबर को सभी जिला कांग्रेस कमेटी में पत्रकार वार्ताएं तथा 3 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने इस मौत के लिए प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बदलो बदलो आदत बदलो।
बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन दिखैया हमर जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ दर्शन देखते रहिए हर रविवार शाम 4:15 दूरदर्शन रायपुर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काठमांडू घाटी में पौभा पेंटिंग की प्रदर्शनी चल रही है जो नेपाल के नेवार समुदाय की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को उजागर करती है। यह प्रदर्शनी एक महीने तक चलेगी और यहां के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पौभा पेंटिंग की दुकानें भी सजाई गई हैं। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण सुंदर सिखवाल की पेंटिंग्स हैं जो इस महीने चलने वाली प्रदर्शनी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेवार पारंपरिक चित्रकार मानते हैं कि पौभा पेंटिंग का अभ्यास 3rd शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ था। यह कला तिब्बत ले जाई गई जिससे हिमालय बौद्ध भक्ति कला का विकास हुआ जिसे थांगका कहा जाता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय भारत सरकार ने साथ मिलकर मेरा भारत मेरी दिवाली अभियान की शुरुआत की। यह मुहिम देश सहित प्रदेश भर में दिवाली के दौरान स्वच्छता और उत्साहपूर्वक उत्सव को प्रोत्साहित करेगी। 30 अक्टूबर तक जारी अभियान में नेहरू युवा केंद्र दुर्ग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुर्ग की संयुक्त पहल के तहत इसकी शुरुआत इंदिरा मार्केट और मोती कॉम्प्लेक्स सहित 3 स्थानों में की गई। आज का यह कार्यक्रम दिवाली विद माई भारत के तहत आज हम लोग इंदिरा मार्केट दुर्ग में व्यापारिक संस्था कैट के माध्यम से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम दिवाली त्यौहार में घरों की अपनी साफ़ सफाई करते हैं, उसी तरीके से व्यापारिक जो संगठन है वो अपने दुकानों के आसपास की सफाई का उचित निपटान करें। और हम लोगों ने आज जो नेहरू युवा केंद्र वाले जो हमारे साथी हैं उनके साथ सहयोग करके पूरा स्वच्छता का एक अभियान चला रहे हैं और उसमें जो है आज पॉलीथीन और दुनिया भर का जो कचरा है उसको साफ सफाई के लिए हम लोगों ने पूरा युवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पूरे व्यापारी लोग मिलकर उसको उनका सहयोग कर रहे हैं और साथ देकर हम लोग चल रहे हैं। इस अभियान में नेहरू युवक केंद्र दुर्ग, केट छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता दी। हम लोग आज से यहाँ पे चालू किए हैं नेहरू युवा केंद्र के साथ मिल करके साफ सफाई के ऊपर में अवेयरनेस लाने का काम। बाजार के अंदर में प्रकृति के दुश्मन 3 पाउच पन्नी पॉलीथीन, ये हमारा नारा है और ये हम व्यापारियों के तक ये नारा पहुंचा रहे हैं कि अब अपनी दुकान में पॉलीथीन रखे, डिस्पोजेबल बैग रखे, उसी में सब ये कचरा जमा करके रखे, अपने शहर को स्वच्छ रखे। तो व्यापारियों तक हमारा काम रहेगा अवेयरनेस फैलाने का और 30 तारीख तक के ये हमारा मुहिम चलेगा। तो हमारा व्यापारी संघ होने के नाते एक ये भी दायित्व तो बनता है कि हम अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ नागरिक यहाँ पर रहें। इसी हम लोग सिर्फ व्यापार ही नहीं करते हैं बल्कि ऐसी जो योजनाएँ हैं उसमें भी हम पूरा सहयोग करते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो चाहे व्यापारी संघ हो। व्यापारी हम बाद में हैं, नागरिक पहले हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता विजन के अनुरूप बाजारों की सफाई, अस्पतालों में सेवा और यातायात जागरूकता जैसी सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से यह अभियान सुरक्षित और स्वच्छ सार्वजनिक स्थलों के निर्माण पर केंद्रित है जिससे एक सुसंगठित और सुरक्षित दिवाली का माहौल तैयार किया जा सके। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने राष्ट्रीय आजीविका मिशन सहायक साबित हो रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम खोपली की आशिता स्व सहायता समूह की महिलाएं सीमेंट के बनने वाले गमले, तुलसी चौरा, फेंसिंग पोल और चोकर टाइल्स आदि का निर्माण कर अच्छा लाभ कमा रही हैं। इन उत्पादों की दुर्ग, भिलाई सहित अन्य जिलों में भी खूब बिक्री होती है। समूह की महिलाओं ने बताया कि इस व्यवसाय ने उन्हें आर्थिक संबल दिया है। समूह बनाने के बाद आज गमला बनाने का काम कर रही हूँ और गमला बनाती हूँ, फेंसिंग पोल, खिड़की, वेंटिलेशन, मंदिर है, कई प्रकार के जो भी ऑर्डर मिलता है उसको उसका काम लेती हूँ और 10 दीदियों को काम दे रही हूँ आसपास की। और
इसमें मैं अच्छे से कमाई कर रही हूँ और बिहान बाज़ार में भी जहाँ से आर्डर आता है तो वहाँ भी जाके दुकान लगाती हूँ, अपना अच्छा कमाई भी हो जाता है। हम लोग सबसे शुरू में जैसा समूह जोड़े, फिर 100-100 रुपया जमा किए, 11 जन का 1100 होता है। उसके बाद हमको आरएफ के रूप से जैसा 15,000 मिला था, उसको हम लोग ब्याज पे देके बढ़ाते गए। और क्या, रुई बत्ती लेके, मतलब बत्ती बना के घर घर में जाके सेलिंग किए। उसके बाद से धीरे धीरे से सब समूह महिला मतलब मिल के ये गमला का सोचे, फिर तुलसी चावरा वगैरह सोचे, ऐसी हम लोग का काम मतलब आगे बढ़ते गया। वहीं यहां काम करने वाली महिला ने बताया कि वह भी यहां काम कर अपने घर परिवार की जरूरतें पूरी कर लेती हैं। व्यापारी यहां से गमले, तुलसी चौरा आदि लेकर अन्य जगहों पर बिक्री करने के लिए आते हैं और वह भी इस काम से अपना रोजगार चला रहे हैं। 2 साल हो गया काम करने और फायदा दे देकर मनसन कमात हूँ। बहनी मनसन 2 साल हो गए मतलब कमात, और हफ्ता हफ्ता मिलते पेमेंट है, हफ्ता हफ्ता में दे तुलसी चौरा गमला ये मतलब सब नहीं बना है करता हूँ, जोड़ता हूँ, पोतता हूँ कलर में, और तुलसी चौरा मतलब भी पे करता हूँ, पोतता था वो गमला मतलब पोतता हूँ कलर में, गोला में सब चीज़ इसमें करता हूँ। 2 साल हो गया, समूह वाले महिला हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं इस धंधे में, तो बाहर बाहर माल सप्लाई करता हूँ, घर में पहुँचा कर देता हूँ सर। और उसके बाद जैसे बालोद है, धमतरी है, करी भदर है, ये सब इधर दौरा करता हूँ मैं। इधर अपना संबलपुर लोहारा है, वहाँ दौरा करता हूँ। आजीविका मिशन के सहयोग से शुरू किए गए अपने व्यवसाय को आज ये महिलाएं नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही हैं, जो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का सबब है। दीपावली नज़दीक आते ही जांजगीर चांपा जिले के कुम्हारों की चाक की रफ्तार तेज हो गई है। कुम्हारों का पूरा परिवार दिए बनाने में जुट गया है। हालांकि आधुनिकता के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक झालर का चलन बढ़ा है, लेकिन मिट्टी के दीयों का परंपरागत इस्तेमाल भी कम नहीं हुआ है। यह कलतरा ब्लॉक के बरगवा गांव में 70 घरों के कुंभकार मिट्टी के बर्तन तथा दिए बनाते हैं। इन्हें उम्मीद है कि इस बार भी अच्छी बिक्री होगी। जैसे हम कुम्हार जैसे हमर ये चाक चलते वैसने प्रकार से चाक चलते, तो हम मिट्टी ला आकार देथन, आकार देते हुए ओला रूप देके अपन जो सामान बनते ओला बिक्री करके हम अपन अच्छी तरह से जीवन यापन कर, वैसने प्रकार से हमर जिंदगी है एकर माध्यम से इतना बढ़िया चलत है कि चक्की चलाते हुए अपन जिंदगी वैसने रफ्तार में चलाए के कोशिश करत हन कि हमरो जिंदगी थोड़ा आगे बढ़े। अकलतरा जनपद पंचायत के ग्राम बरगवा निवासी गोपाल प्रजापति ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि अपने पुश्तैनी कार्य में कई सालों से वह मिट्टी के बर्तन और दीपक बनाने का काम करते आ रहे हैं। हम माटी के काम करते हैं, अब माटी के काम करे में हमें बहुत गर्व महसूस होते हैं। कहाँ पर कि हम अच्छा से कार्य करते हैं, मिट्टी के दिया के सबके घर में रोशनी फैलते हैं, और हमारे माटी के काम हमारे पूर्वज में सिखाई सब है। ये काम करे से हम मतलब किसी भी प्रकार के हीन भावना महसूस नहीं हुआ, हमन माटी के काम ला बहुत गर्व से करते हैं। हमार लोग लइका भी मन ये काम में हमार बहुत हाथ बताते। पिछले 2 महीनों से दिया बनाने में जुटे यहाँ के कुम्हार परिवार मानते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और अच्छी बिक्री होने से उनकी दिवाली में भी रौनक होगी। रोशनी के पर्व दीपावली के मौके पर कोरबा जिले में बाजार सज धज कर तैयार है। कपड़े, मिठाई, फटाके और सजावट के सामान से बाजारों में रौनक और चमक बढ़ गई है। पटाखा दुकान संचालकों ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए इस बार ग्रीन पटाखों की बिक्री जोरों पर है। ग्रीन पटाखा ये है कि पॉल्यूशन उससे कम होता है, और ग्रीन पटाखे में बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, जैसे पॉप अप हो गया, रस्सी वाले हो गया, और उससे बहुत सारे वेराइटी है ग्रीन पटाखे में, और इससे क्या है पोल्यूशन कम होता है, और लोग आजकल अब ज़्यादातर ग्रीन फटाके की ही तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और सारी मतलब जिस बोला जाए ना तो सभी लोग पोल्यूशन कम करने की ही कोशिश में लगे हैं, और हम भी हमेशा यही चाहते हैं कि पोल्यूशन कम हो। इसी तरह रंगोली, दिया, लाइट के साथ ही माला और तोरण के बाजार भी सज गए हैं। व्यापारियों ने बताया कि इस बार जिला प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था के तहत मेला मैदान में दीपावली बाजार की व्यवस्था की गई है। माहौल बढ़िया रहेगा यहाँ का, नया जगह में दुकान लगी है इस बार, और माहौल लग रहा है यहाँ भी चलेगा करके दुकान। परसों धनतेरस है, धनतेरस में भी चलेगा, फिर दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली,
माहौल बढ़िया रहता है। शाम के समय मार्केट ठीक ठाक है, अभी सब सामान है, रंगोली तोरण माले हर सामान मिलेंगे, लाइट झालर झूमर सब मिलेंगे, यहाँ बहुत सारे दुकान लगी है। इस बार भी रोशनी के पर्व दिवाली पर स्वदेशी उत्पादों की खरीदी कर रहे हैं, इससे स्थानीय दुकानदारों में उत्साह का माहौल है। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों में संक्रमण फैल गया है। कुल 30 मरीजों में 10 पर संक्रमण का ज्यादा असर है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने प्रभावित मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर करवाया है। स्वास्थ्य विभाग ने 3 सदस्यीय जाँच का गठन किया है। यह जाँच दल ऑपरेशन थिएटर में तैनात कर्मचारियों से पूछताछ करने में लगा है। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम की राज्य नोडल अफसर डॉक्टर निधि अतरवाल ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कुछ केसेस हुए थे दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में, जिसमें कुछ कंप्लेंट्स मिली थी, उस शिकायत के आधार पर हम लोग जांच करने के लिए कमेटी के माध्यम से संचालक महोदय ने जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी के सदस्य यहाँ जाँच के लिए आए हैं। मैडम, कितने लोगों को आँखों में इन्फेक्शन की शिकायत आई है सर्जरी पर? ये भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो अभी प्रथम दृष्टया देखने में मिला है, उसमें 20 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 10 पेशेंट्स को रायपुर रेफर किया गया। लापरवाही सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया है। इधर प्रभावित मरीजों और उनके परिजनों में इस घटना को लेकर रोष है। जांजगीर क्षेत्र के 7 गांवों के 22 किसानों से 70 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। एक व्यापारी पर किसानों ने आरोप लगाया है कि धान लेकर किसानों को राशि नहीं दी है। मामले को लेकर किसान सिटी कोतवाली थाना पहुंचे और इसकी शिकायत की है। इसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जांजगीर के रहने वाले आशीष अग्रवाल, जो कि धान खरीदी का काम करता है, हमारे जांजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत जरवेचा, बनारी, कुटरा, खैरा, पनगांव, नवागढ़, मेहंदा एवं अन्य ग्रामों से भी किसानों से जो है धान खरीदी किए हैं। धान खरीदी के बाद पश्चात उनको जो है पैसे जो है ना दे करके इनको चेक दिया गया है और चेक की राशि अभी तक उनको दी नहीं गई है। इस संबंध में शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जल्दी इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए अगली कार्रवाई की जाएगी। लगभग 77 लाख के आसपास की राशि अभी किसानों ने लीक करके दी। प्रभावितों के मुताबिक धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर की गई है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द जांच कर न्याय की मांग की है। 7,91,200 रुपया के हमन के होरी से 860 बोरी धान, 7 लाख के चेक दही से भाई, तो चेक ला लेके बैंक में गए हैं तो फर्जी बता थे भाई, मैच नहीं खा थे साइन हाँ, तो परेशान होके घर मन में जात रहे तो हमला भगा देती से, वहाँ ला भर्ती है, एडमिट है भाई बेंगलोर में, ऐसे के भगा देती से भाई। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति किया आगाह, 3 चरण अपनाने की अपील। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उम्मीद, साइबर ठगी के विरुद्ध जागरूक होंगे लोग। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में करोड़ों के निर्माण कार्यों की दी सौगात। और प्रधानमंत्री मोदी 29 अक्टूबर को रायपुर के केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से रखेंगे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।